रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने अपना सोलर सेटअप जो मुकम्मल हो चुका है इसके मुकम्मल क्योंकि ये मेरा कितनी कास्ट आई टोटल और कितने इंच की निकासी है मेरे। तो अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं या लगवाने की ख्वाहिश रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके बाद अपना फ़ैसला करें। तो ये मेरे 16 सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि 400 वाट का एक है। दो दो का स्टैंड मिला था जिससे मैंने दो दो प्लेटें फिक्स की हैं। अभी तक रावल बोल्ट जो लगाने हैं नीचे वो नहीं लगाए क्योंकि हमारी मोटर का फासला बहुत ज़्यादा बनता था। ये कमरा आपको नज़र आ रहा होगा सामने, इधर मैं जूम करता हूँ, इस जगह हमारी मोटर चली हुई है। ये 2 एकड़ यानी कि आप ज़रब लगा लें 220 ज़रब 220, ये 480 फुट बनती है लेंथ। हमने आर्जी तौर पर तार लगाई थी ताकि मोटर हमारी चले तो फिर हम तार ले आएँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाब हो गया ये सोलर सिस्टम। तो प्लेटों की जो डाटा शीट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 स्ट्रिंग मैंने बनाई थी 8-8 की, इन दोनों को आपस में फिर सीरीज में कर दिया और जो वोल्टेज हमें दे रही है सोलर वो 3530 वोल्टेज हैं। ये सारा कुछ आर्जी तौर पर मैंने लगाए थे, ये सब डाटा शीट। ये नीचे से प्लेटें आप देख लें, कोशिश तो की थी अपने कि बी पेयर ना ही मिले, माल हमने अच्छा ही परचेज की है। ये स्टैंड फिक्स स्टैंड है। पानी की निकासी भी आपको दिखाते हैं। ये सोलर पैनल की डाटा शीट आप खुद देख लें, ये 41 वोल्ट देते हैं ओपन सर्किट में जो कि 400 वाट के हैं और इनका वोल्टेज 41 वोल्ट है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं पानी की निकासी की तरफ, जिधर पानी की VFD हमने ये इंस्टॉल किया और ब्रेकर भी हमने जो DC ब्रेकर लगाया वो आर्जी तौर पे लगाया था, पर लटकाया हुआ अभी फिक्स करेंगे। इसके बाद मुकम्मल वीडियो आपको मिलेगी जिनकी इंस्टॉलमेंट मैंने खुद की थी। तो आर्जी सब कुछ किया है कि शायद हमारा यह सिस्टम कामयाब हो या ना हो। ये सोलर पैनल से तार आ रही है ये वाली और ये जा रही है मोटर को। VFD जो हमने इंस्टॉल की है वो INVT की है जो कि 7-11 किलोवाट की है। तो इसकी भी अगर प्रॉपर सेटिंग अभी नहीं हुई, अभी और सेटिंग करनी है, तो उम्मीद है कि पानी और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह 5 इंच की डिलीवरी है और हमने मोटर जो इंस्टॉल की है वो शहजाद का पम्प है, 7.5 HP की मोटर है और ये पानी की निकासी आपके सामने है। ये देख रहे हैं 12 बज गए हैं, तो जो हमारी VFD की फ्रीक्वेंसी है वो अभी 40 पे है, 50 पे जाएगी तो और इसका पानी बढ़ेगा। तो हम आप मोटर की डाटा शीट दिखाते हैं, आप खुद देख के पढ़ सकते हैं कि इसके हम कौन सा पंप है। ये आप खुद देख लें, 7.5 HP की शहजाद का मोनो पंप है और ये 5-6 की डिलीवरी के साथ शहजाद का पंप आप खुद देख सकते हैं। मेन मसला जो था हमारा वो सोलर पैनल और मोटर के दरमियान जो फासला था उसकी वजह से हम परेशान थे कि क्या हमारा सोलर पैनल और मोटर के दरमियान जो फासला है 2 एकड़ का वो कवर हो सकता है या नहीं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने पहला जो सिस्टम इंस्टॉल खुद ही किया अपना था तो हमारा सिस्टम कामयाब हो गया है। ये सामने टावर के साथ छत पे प्लेटें पड़ी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सिस्टम कामयाब हो गया। इसकी जो फिल वक्त की कॉस्ट है वो 3.5 लाख है, जिसमें 40,000 की मोटर और 3,10,000 के सोलर पैनल है, बाकी तार की प्राइस अभी रहती है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद उन ज़िम्मेदार भाइयों के लिए था जिनको सोलर प्लेटें चोरी होने का ख़तरा था। अगर आपके करीब ही घर है, 2-3 एकड़ का फसल है, तो आप अपना सोलर सिस्टम अपने घर पर लगा के मोटर चला सकते हैं और घर में भी चला सकते हैं। मैंने इसको घर में भी अटैच करना है और इसकी मुकम्मल अभी सेटिंग रहती है। ये मैंने आर्जी इंस्टॉल किया था शायद चले या ना चले, तो ये मेरा तजर्बा कामयाब हो गया है। अगर ये मुकम्मल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ही जल्द मैं मुकम्मल वीडियो घर और मोटर दोनों की चलती हुई आपको दिखाऊँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।